हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है कि जिसमें आप जो भी आपने क्रेडिट या डेबिटर है उसका आपको पूरा एक एड्रेस बुक मिलेगा। वहाँ से अगर आपको किसी पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना है तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपडेट कर पाओगे। वहाँ पर आपको ग्रुप वाइज डेबिटर्स क्रेडिटर का एड्रेस बुक चाहिए वो भी मिल जाएगा, और किस पार्टी के अंदर आपने मल्टी यूनिट इनेबल किया है तो उसमें भी आपको दोनों का एड्रेस शो करेगा। और उसमें भी हमने एडिशनल एक फैसिलिटी ऐड की है कि आपको डायरेक्ट वहाँ से एनवलप प्रिंटिंग करना है वो भी आप कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपको एनवलप प्रिंटिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, चेंजेस करना है, तो वो भी आप कर पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पे जाना होगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, एड्रेस बुक एंड कॉन्टैक्ट बुक्स। यहाँ पे संडी डेबिटर्स का अगर आप में एड्रेस बुक निकालना है तो संडी डेबिटर्स में जाना है, संडी क्रेडिटर में जाना है तो संडी क्रेडिटर बुक्स में जाना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ संडी क्रेडिटर्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मेरे कॉन्टैक्ट है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन अगर आपको हाइड करना है तो आप वेबटेल में जाकर हाइड भी कर सकते हो। मुझे अगर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम नहीं, कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर पिन कोड नहीं चाहिए तो वो भी मैं बंद कर सकता हूँ। तो जो जो ऑप्शन अगर आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्टली बंद कर सकते हो। यहाँ पर वेबटेल में सारे ऑप्शन मैंने दिए हुए, और इसका अगर आपको एनवलप प्रिंटिंग करना है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर प्रिंट एनवलप का ऑप्शन है तो प्रिंट एनवेल पर जाके आप चेक करोगे तो यहाँ पे एनवेल प्रिंटिंग आ जाएगा। इसमें कंपनी का डिटेल भी रहेगा, फॉर्म डिटेल भी रहेगा, और इसका भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है एनवेल प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे आपको जो भी स्पेस वगैरह सेटअप करना है, कॉन्टैक्ट ईमेल ऑप्शन चाहिए कि नहीं, फॉर्म डिटेल चाहिए कि नहीं, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन भी है तो फॉन्ट में भी जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और यहाँ पे किसी भी अगर आया पार्टी लेजर में अगर मल्टी एड्रेस है तो यहाँ पे इनवलप प्रिंटिंग फॉर मल्टी एड्रेस इनेबल का ऑप्शन भी है। और यहाँ पे अल्ट एफ1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे उनका यूनिट 2 का एड्रेस भी डिटेल आ रहा है, तो उसको भी मुझे अगर प्रिंटिंग वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे इनवलप प्रिंटिंग में जाके ये यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये डिटेल काम करता है। तो आप में से कोई भी इस डिटेल को परचेस करना चाहता है, इसका डेमो चाहता है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह को बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नंबर के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।